हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल गेमिंग क्रेजिंग जहां पे हम स्टडी की वीडियोस डिस्कस करते हैं सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन एंड दिस वीडियो इज़ पार्ट वन ऑफ द थ्योरीज नाउ बिफोर गोइंग अहेड हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे वॉट विल बी अवर लर्निंग आउटकम्स वी विल लर्न टू थिंग्स फर्स्ट वन इज़ वॉट इज मोटिवेशन एंड सेकेंड वन इज़ वेरियस थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन सो फर्स्ट वी विल डिस्कस वॉट इज मोटिवेशन जो वर्ड मोटिवेशन है वो लेटिन वर्ड मोविर से डिराइव किया गया है जिसका मीनिंग होता है टू मूव अ हैड एंड इट इज़ द प्रोसेस दैट अकाउंट फॉर एन इंडिविजुअल्स इंटेंसिटी डायरेक्शन एंड परसिस्टेंस ऑफ अफर्ट टू वर्ड्स अटेनिंग अ गोल दैट मीन्स जो अफर्ट्स हैं उनकी इंटेंसिटी उनकी डायरेक्शन एंड उनकी परसिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू फुलफिल द गोल ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन दैट मीन्स जो भी एक इंडिविजुअल पर्सन की नीड हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए वो जो कंटिन्यूस एफर्ट करता है यूनिक डायरेक्शन में अफर्ट्स करता है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो उसके लिए मोटिवेशन का सोर्स है एंड दैट इज़ कॉल्ड मोटिवेशन सो वॉट एक्जैक्टली इज मोटिवेशन वी कैन डिफाइन इट एज दी करेक्टरस्टिक्स ऐसे कैरेक्टरस्टिक्स जो हमें हेल्प करते हैं अपने गोल को अचीव करने में और ये एक ड्राइविंग फोर्स होती है जो हमें पुश करती है वर्क हार्ड के लिए एंड ऑल्सो इट इज़ एन एनर्जी दैट गिवस अस स्ट्रेंथ ताकि हम आगे और अफर्ट्स कंटिन्यू कर रखें भले ही हमारे सिचुएशंस एडवर्स हों सो बेसिकली मोटिवेशन हमारी नीड्स so को फुलफ़िल करने के, के लिए ज़रूरी हैं इफ़ देर इज़ नो मोटिवेशन और अगर हमारी नीड है ब, लेकिन अगर हमें कोई मोटिवेशन नहीं है तो इन दैट सिचुएशन इट माइट बी सो कि हमारी वो नीड्स फुलफ़िल ना हो पाएँ सो वॉट आर द वेरियस मोटिवस एक इंडिविजुअल पर्सन की वेदर ही इज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और हम अपनी डेली लाइफ में भी हम ऑब्जर्व करते हैं देर कैन बी टू टाइप्स ऑफ मोटिवस फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी मोटिव एंड दी अदर इज़ सेकेंडरी मोटिव प्राइमरी मोटिवस होते हैं जो हमारी नीड्स ऐसे नीड्स जो बेसिक हैं लाइक द नीड ऑफ हंगर थर्स्ट फूड क्लोदिंग शेल्टर ये हमारे लिए प्राइमरी मोटिवस हैं जिनको हम फुलफिल करना चाहते हैं एंड सेकेंडली इज़ सेकेंडरी और सोशल नीड्स विच इंक्लूड्स साइकोलॉजिकल नीड्स सोशल नीड्स पर्सनल नीड्स तो ये हमारे तीनों मोटिव्स हैं इट कुड बी साइकोलॉजिकल रिलेटेड टू अवर सिक्योरिटी जॉब सिक्योरिटी फ्रीडम इट कुड बी सोशल गेटिंग लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द सोसाइटी सोशल अफिलिएशन इट कुड बी पर्सनल अचीविंग सेल्फ कॉन्सेप्ट सेंस ऑफ अचीवमेंट कंपिटेंसी प्राइड सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवस लेकिन अब हमारे ये जो मोटिव्स हैं लेकिन हम अपने आप को मोटिवेट कैसे करें वॉट कुड बी अवर सोर्सेज बाई विच वी कैन मोटिवेट टू अचीव अवर नीड्स या जो अभी हमने अपने मोटिव्स डिस्कस किए हैं हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए कैसे मोटिवेट हों तो बेसिकली इस चीज़ के लिए कुछ थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हैं जो डिराइव की हैं फर्स्ट वन इज़ द कंटेंट थ्योरी एंड द अदर इज़ द प्रोसेस थ्योरीज एज द नेम इट सजेस्ट कंटेंट थ्योरी मीन्स उनके अंदर क्या होगा ऐसे फीचर्स ऐसे फैक्टर्स विच इंक्लूड्स मैस्लोज नीड हायर की थ्योरी हर्जबर्गस टू फैक्टर थ्योरी मैकलेंस नीड्स थ्योरी ऑल ड फर्स ई आर जी थ्योरी और प्रोसेस थ्योरीज में वी हैव विक्टर रूम्स एक्सपेक्टेंसी मॉडल एडम सिक्विटी थ्योरी गोल सेटिंग थ्योरी एंड री एन्फोर्समेंट थ्योरी सो वी विल ट्राई टू थिंक ओवर ऑल दिस एंड वी विल ट्राई टू डिस्कस दिस तो बेसिकली हम देखते हैं कि थ्री टाइप्स ऑफ मोटिवेशन थ्योरीज हैं जो कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन हैं वो डिस्क्राइब करती हैं ऐसे फैक्टर्स जो हमें मोटिवेट करते हैं अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए प्रोसेस थ्योरीज ये डिफाइन करती हैं मोटिवेशन कैसे होता है और क्यों होता है क्योंकि वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और री इन्फोर्समेंट थियोरीज़ ये बताती हैं कि क्या आउटकम होगा और आउटकम का इन्फ्लुएंस हमारे बिहेवियर पे क्या होगा सो लेट्स गो टू दी फर्स्ट थ्योरी दैट इज़ मैसलोज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जिसे हम नीड हायर की थ्योरी भी कहते हैं इस थ्योरी में बेसिकली ये डिफाइन किया गया है कि एज एन इंडिविजुअल पर्सन हमारी कुछ डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स होती हैं स्टार्टिंग फ्राम आवर लोअर नीड्स मूविंग टू दी हायर नीड्स लोअर नीड्स जब हमारी फुलफिल होती हैं वन बाई वन देन ओनली वी कैन मूव टू दायर नीड्स तो मैसलो थ्योरी ये मेनटेन रखती है कि जब तक हमारी लोअर लेवल की नीड्स फुलफिल नहीं होती हम अगली जो हमारी नेक्स्ट लेवल की नीड होती है वो अराइज़ ही नहीं होती है तो जब तक हमारी प्राइमरी लेवल या लोअर लेवल की नीड फुलफ़िल हम नहीं करते तब तक हम नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड पे मूव नहीं करते हैं सो लेट्स गो टू द चार्ट अब इसके सबसे नीचे है फर्स्ट लोवेस्ट लेवल देखिए फिजियोलॉजिकल नीड्स यानी बेसिक ह्यूमन बींग की जो नीड्स हैं बेसिक नीड्स विच आर फूड क्लोदिंग शेल्टर तो सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स एज ह्यूमन बींग वी ट्राई टू फुलफ़िल ऑल दीज नीड्स जब हमारी ये नीड्स फुलफिल हो जाती हैं देन वी थिंक अहेड कि अब हमारी और कौन सी ज़रूरतें हैं और कौन सी नीड्स हैं लाइक सेफ्टी नीड्स अ सेफ्टी नीड्स ऑल्सो इंक्लूड्स फिजिकल सेफ्टी एंड एज वेल एज सेफ्टी एट द वर्क प्लेस एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स जॉब सिक्योरिटी जब हमारे पास एक अच्छा जॉब है ऑर्गेनाइजेशन में हम सेट हैं वहाँ हमारी फिजिकल सेफ्टी है देन वी थिंक ऑफ मूविंग और तब वहाँ पे हमारी एक न्यू नीड अराइज होती है दैट इज़ सोशल नीड सोशल नीड सिंपली मीन्स टू मिक्सअप इन द सोसाइटी टू फॉर्म ग्रुप्स टू हैव सोशल कनेक्शन सोशल गैदरिंग विद पीपल अपना एक सोशल सर्कल मेंटेन करना नाउ आफ्टर अकम्फलिशमेंट ऑफ दिस नीड अनदर नीड दैट एमर्ज इज सेल्फ एस्टीम नीड हमें यह लगता है कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हम अचीव करें अब सेल्फ रिस्पेक्ट के अचीव करने के वेरियस वेज हैं डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन लाइक अब एन एम्प्लॉय विल लाइक टू हैव सर्टेन चैलेंजिंग वर्क ऐसे टास्क जिनमें उसको अप्रिशिएट किया जाए उसको रिवॉर्ड मिले उसको अवार्ड मिले उसकी रिकोगनिशन हो ऑर्गेनाइजेशन में लाइक वाइज इन द सोसाइटी ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू अर्न सेल्फ रिस्पेक्ट Now, when this is done, then the next need arises that is self fulfillment or self actualization. Now, what does it mean? It means a sense of accomplishment, a sense of pride, or ये नीड डिज़ायर जो भी हैं हमारे हम जिनके लिए भी कैपेबल हैं जो हमारा पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंगली हमें टास्क दिया जाए और जो भी हम अपनी लाइफ में अपने कैलिबर के अकॉर्डिंगली अपने पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली हम कर सकते हैं उस टाइप के हमें वर्किंग इन्वायरमेंट वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ सो दैट वी फील वी आर सेल्फ एक्चुलाइज इन देंस वी फील अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट सो नाउ लेट सी हाउ दिस मैसलोस थ्योरी इज अप्लाइड इन बिजनेस मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में हम वेरियस लेवल्स ऑफ नीड्स और मैसलोस नीड हायर की थ्योरी को किस तरीके से अप्लाई करते हैं लाइक एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट पीपल आर वर्किंग डिफरेंट मैनेजर्स आर वर्किंग सो डिफरेंट लेवल ऑफ पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट नीड्स फॉर एग्जाम्पल जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं दे विल बी अर्निंग लेस इनकम तो उनके लिए तो बेसिक नीड्स फुलफिल करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर एट द लोअर नीड वेयर एज जो मिडिल लेवल इम्प्लॉयज़ है दे सर्टेनली हैव फुलफिल्ड देयर बेसिक नीड्स तो उनको जॉब सिक्योरिटी चाहिए ताकि उन्हें बार बार कंपनी ना निकाले या कंपनी के ले ऑफ रिट्रेंचमेंट पॉलिसी ऐसी ना हो जॉब सेफ्टी चाहिए और सोशल नीड्स चाहिए कि उन वो इकट्ठे टीम स्पिरिट में काम करें एंड इन केस ऑफ टॉप लेवल इम्प्लॉयज़ वी थिंक दे ऑलरेडी हैव फुलफिल्ड देयर लोअर लेवल नीड्स सो समवेयर दे आर लुकिंग फॉर सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड तो ऐसे डिफरेंट सिस्टम में जो एक मैनेजर है उसको क्या करना चाहिए नाउ जो हमारी लोवेस्ट नीड है फिजियोलॉजिकल नीड्स तो मैनेजर को एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी चाहिए रीजनेबल वर्किंग आवर्स नेसेसरी ब्रेक्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि उनकी फ़िजियोलॉजिकल नीड्स फुलफ़िल हों लाइकवाइज़ जब फिजियोलॉजिकल नीड्स कंप्लीट हो जाती हैं देन द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड अराइजेज दैट इज़ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी ये नीड हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन को जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए गुड हेल्थ प्रोवाइड करनी चाहिए और ऐसे वर्किंग एन्वायरमेंट देना चाहिए दैट इज़ फ्री फ्राम हजार एंड फ्री फ्राम एक्सीडेंट्स एंड हार्मस जिससे कोई एडवर्स इफेक्ट उनकी हेल्थ पर ना हो एंड सेफ्टी नीड्स शुड बी फुलफिल्ड नाउ द पीपल और द इम्प्लॉज हु हैव नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड दैट इज सोशल नीड्स ऐसी सिचुएशन में एज अ मैनेजर इट्स हिज ड्यूटी टू प्रोवाइड अ गुड एंड कंडीसिव वर्किंग एनवायरमेंट टू दी एम्प्लॉयज़ ताकि उनकी सोशल नीड्स फुलफिल हों अब सोशल नीड्स में लव अफेक्शन किया आपस में गैदरिंग करना सोशल सर्कल मेंटेन करना सोशल बिलोंगिंगनेस लाना तो एज अ टीम वर्क वर्क करना सो दीज फैक्टर्स हैव टू बी ऑब्जर्व ना वाटर मैनेजर शुड डू इन केस जो कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो सेल्फ रिस्पेक्ट को अचीव करना चाहते हैं या सेल्फ इस्टीम उनकी नीड है ऐसे इम्प्लॉयज़ को रेगुलरली प्रेस करना चाहिए उनको रिकोगशन देनी चाहिए उनकी एफर्ट्स के लिए दे शुड भी गिवन अवॉर्ड एंड समाइम्स दे शुड ऑल्सो भी ऑफर्ड विथ प्रमोशन अडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दैट दे फील अ सेंस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ये ये फैक्टर्स उसको और भी मोटिवेट करेंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए और उसकी एफिशेंसी को भी इंक्रीज करेंगे नाउ इफ एन इंडिविजुअल पर्सन इज एट सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड देन वॉट शुड बी डन एज अ मैनेजर

Uh, जो जॉब है वो वेरी करना चाहिए और uh, जिन एम्प्लॉयज़ में लोअर स्किल्स हैं उनको उस जॉब पे रख के बेटर जॉब शुड बी गिवन टू सच एम्प्लॉयज़ हु आर कैपेबल ऑफ डूइंग हायर जॉब तो ये हमने डिस्कस किया कि मैस्लोस uh, थ्योरी को हम प्रैक्टिकली ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं बट स्टिल दे आर सर्ट इन कॉन्स ऑफ द थ्योरीज प्रोज क्या हैं इसके बेनिफिट्स क्या हैं मैस्लस थ्योरी बहुत पहले डिवाइस की है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी रादर इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी क्योंकि बाकी थ्योरीज में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं तो फर्स्ट हमारा इसमें एडवांटेज यही रहेगा that it is widely used by managers in the organization and it is very much logical it sounds logical because in real life also we see that people have different needs hoti and they move from one need to another need gradually and this theory is also very easy to understand it's not complicated but still there are certain drawbacks of the theory like this थ्योरी हैज़ नॉट बीट वैलिडेटिड दैट मीन्स ऐसे कोई एक्सपीरियंट्स वगैरह नहीं किए गए हैं जिन एक्सपीरिमेंट्स का कंक्लूजन निकले दैट ऑल दी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स एज बिंग डिवाइज बाई मैस्लो वो उसी तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो कहीं ना कहीं इस ये लैक करता है वैलिडिटी को सेकेंडली इस मॉडल में इस थ्योरी में एज्यूम किया है कि वन लेवल से सेकेंड लेवल पर मूव होती है अप वो डायरेक्शन में बट इट इज़ नॉट कम्पल्सरी इट माइट भी सो कि वन पर्सन की टू नीड्स हैं ही ऑल्सो वॉन्ट्स लव एंड अफेक्शन एंड समटाइम्स ही ऑल्सो लुकिंग आफ्टर दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और द सेल्फ रिस्पेक्ट नीड्स बट मैसलोज थ्योरी कहती है कि वन पर्सन एट वन टाइम इज एट ओनली वन लेवल एंड सेकेंड इसके एक और ड्रॉबैक यहाँ पे है वो ये है कि ये स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली मूव करता है जबकि इट इज़ नॉट कंपलसरी कि, कि हम एक लेवल ऑफ नीड लाइक इफ अवर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट वी वुड लुक फॉर दी दिस सेफ्टी नीड रैदर इट माइट बी सो दैट वी वुड लुक फॉर दी लव एंड अफेक्शन नीड सो वी कैन जम्प ओवर दी

Now you can easily see it is the similar pyramid. Sabse niche have physiological needs, then we have safety needs, social needs. And uh, now uh, above social needs, we have self-esteem need, but that is internal self-esteem need, and above that another self-esteem need that is external self-esteem need, and then we have self-actualization. तो इनमें एक तो डिफरेंस ये है मैसलोज थ्योरी और ई थ्योरी में जो सेल्फ एस्टीम नीड्स हैं उनको डिवाइड किया है टू पार्ट्स में वन इज़ इंटरनल सेल्फ नीड्स एंड अनदर इज़ एक्सटर्नल सेल्फ नीड्स तो यहाँ पे क्या कॉमन फीचर्स हैं जो मेसलोज के अकॉर्डिंगली फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स हैं ईआरजी थ्योरी ने इन दोनों को कंबाइन करके नीड फॉर एग्जिस्टेंस बनाया है कि हमारी एग्जिस्टेंस के लिए ये नीड्स फुलफ़िल करना ज़रूरी हैं देन सोशल नीड्स और इंटरनल सेल्फ नीड्स को कंबाइन करके रिलेटिडनेस बनाया है रिलेटिडनेस मीन्स वी वांट टू रिलेट विद द पीपल वी वांट टू एस्टेब्लिश रिलेशंस वी वांट टू प्रूव आवर सेल्फ वी वांट लव एंड अफेक्शन एंड वी हैव अवर सेल्फ एस्टीम नाउ जो इसके टॉप में है दैट इज ग्रोथ ग्रोथ बना है कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सटर्नल सेल्फ नीड्स एंड सेल्फ एक्चुलाइजेशन दैट मीन्स अ पर्सन जिसकी नीड्स ग्रोथ की होंगी ही वुड बी कंसनट्रेटेड ऑन गेटिंग एक्सटर्नल सेल्फ एस्टीम मीन्स कि उसके रिस्पेक्ट इंटरनली ही इज़ कॉन्फिडेंट बट द अदर पीपल वॉट डू दे थिंक अबाउट हिम और उसको जो चैलेंजिंग uh, टास्क है वो प्रोवाइड किया जाए एज पर हिज कैपेबिलिटी एंड पोटेंशियल सो दैट ही कैन ग्रो इन दी ऑर्गेनाइजेशन नाउ इस थ्योरी के एक सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दिस कि जब भी लोअर नीड से दैट मीन्स एग्जिस्टेंस रिलेटेडनेस और ग्रोथ की तरफ जब हम अपवर्ड मूवमेंट करते हैं देन द डिग्री ऑफ सेटिस्फेक्शन राइजेज बट समटाइम्स वी गेट स्ट्रक एट वन प्लेस सपोज हम ग्रोथ पे हैं आर नीड इज टू गेट दी ग्रोथ इन ऑर्गेनाइजेशन बट इफ वी आर नॉट गेटिंग एडिकुएट अपॉर्चुनिटीज और वी आर नॉट गेटिंग सच काइंड ऑफ टास्क बाई विच वी कैन प्रूव ओवर कैलिबर और पोटेंशियल देन वी गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड वी मूव डाउनवर्ड्स तो डाउनवर्ड्स में देन वी सीक टू अकम्पलिश जो ऑलरेडी हमारी एक नीड कंप्लीट हो गई है हम उसी पे कंसनट्रेट करते हैं तो देन वी विल गेट फ्रस्ट्रेटेड एंड इट विल शो डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम ग्रोथ टू Relatedness. So, these were the two theories that we have discussed today. Remaining theories we will be covering in our coming sessions. So, thanks for watching and I request you to kindly see part two as we will be covering more theories of motivation. Thank you so much. Thanks for uh, giving your precious time and uh, please subscribe, like, share, and comment on my channel. Thank you so much.